हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आज के वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस देखने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि रूल्स क्या क्या है एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस का इमेज बनाने के लिए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली इमेज फॉर्मेशन कैसा है। आपका पेज नंबर 83 में टैबुलर फॉर्म दिया हुआ है, 6 केसेस हैं, ओके। आई विल टेक वन बाय वन, ओके। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज यू हैव टू अप्लाई द रूल्स एंड यू नो हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स ऑन योर ओन, तभी आपका प्रैक्टिस होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि लेंस है एक जगह पे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, हाँ, जहाँ से रे ऑफ लाइट आने वाला है, जहाँ से लाइट गिरने वाला है लेंस पे, वो एट इन्फिनिटी है, मतलब उसका पोजिशन अपने को पता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए उसका इमेज कैसा बनेगा, मतलब लेंस से एक ऑब्जेक्ट का रे ऑफ लाइट जब भी लेंस पे पड़ा तो उसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनने वाला है, राइट। तो उसका इमेज कैसे बनेगा, तो हमें पता है इन्फिनिटी है, तो सबसे पहले आप एक कॉन्वेक्स लेंस बनाओगे, ठीक है। दिस इज़ योर एक्सिस, ग्रीन वाला डॉटेड एक्सिस बोलेंगे उसको। फिर सेंटर ऑफ द लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर, पता है अपने को, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। F1, F2 इज वॉट, F1, F2 आपका फोकस है, ओके। तो प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं हम लोग उसको, F1, F2 प्रिंसिपल फोकस हो गया। 2F1 एंड 2F2 इज़ नथिंग बट एक्चुअली आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो ये स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, ये वाले साइड का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो 2F2 पे एक्चुअली उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, ठीक है। तो हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, कि स्फीयर वन का यहाँ पे F1, F2, F1 और इस साइड F2, 2F2, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि ऑप्टिकल सेंटर से F2 का जो मेजरमेंट है उतना ही F2 से 2F2 होगा। सेम वे ऑप्टिकल सेंटर से F1 का और ऑप्टिकल सेंटर से F2 का सेम है डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से जितना डिस्टेंस होगा F1 से 2F1 भी उतना ही होगा, अंडरस्टूड। तो वो हमेशा ध्यान में रखना, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। और ये 2F1 और 2F2 है वो अप्रॉक्सीमेटली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आता है, ठीक है। तो इतना हमेशा याद रखो कि लेंस का आप लोग को जब भी डायग्राम बनाना है तो लेफ्ट साइड में F1, 2F1, राइट साइड में F2, 2F2 करना है, ओके, कूल, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट अपने को दिख नहीं रहा है, ठीक है, एट इन्फिनिटी कहाँ है हमें नहीं पता। तो हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, हर केस में हम दो रेस कंसिडर करेंगे, ठीक है। हमारे पास रूल्स कितने थे, 3 रूल्स थे। एक तो अगर इंसिडेंट रे पैरेलल हुआ प्रिंसिपल एक्सिस को तो कहाँ होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ जाके मर्ज होगा, फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे, राइट। अगर रे ऑफ लाइट आया, ये लेंस है, रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, रिफ्रैक्ट होके लेंस के उस तरफ जाके वो कहाँ कॉन्वर्ज होगा, मैं अभी सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रही हूँ, तो वो फोकल प्रिंसिपल फोकस पे कॉन्वर्ज होगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट इस साइड के प्रिंसिपल फोकस से आया तो रिफ्रैक्ट करने के बाद उस साइड जाके वो पैरेलल हो जाएगा, राइट। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आया तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, बराबर। तो अभी हमारे पास 3 इंसिडेंट रे के तरीके हैं, हम 3 तरीके से इंसिडेंट कर सकते हैं, बट हमें सिर्फ 2 तरीके से इंसिडेंट करना है। कोई भी 2 वेज से आप इंसिडेंट कर लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट से। ये रूल्स हमेशा याद रखो, मैं हर टाइम रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट जब लेते हो तो कोई भी 2 रूल्स अप्लाई कर सकते हो, या तो इंसिडेंट रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लो, सेकंड पासिंग थ्रू द फोकस ले सकते हो, या तो पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स 2 केसेस लेते हैं, 1 इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, 2 इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, समझ में आया, तो ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोनों कंसिडर किया, और यहाँ पे दोनों हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। ऑब्जेक्ट से 2 रेज कंसिडर करना था, दोनों रेज हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। तो जब ये वाला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, कहाँ कॉन्वर्ज होगा रिफ्रैक्ट करने के बाद, प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है। सेम ये वाला भी जब आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ कॉन्वर्ज होगा, प्रिंसिपल फोकस पे। आर यू क्लियर विद दिस, ओके। सो यहाँ पे पोजिशन ऑफ द इमेज क्या आएगा स्टूडेंट्स, बताओ पोजिशन ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ बना, इमेज आपका बना यहाँ, इसलिए कहाँ आएगा, एट F2, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज क्या है, साइज क्या दिख रहा है आपको, ये जब ऑब्जेक्ट का साइज भी अपने को पता नहीं, इन्फिनिटी में, यहाँ पे क्या साइज दिख रहा है इसका, कुछ पता है आपको, पॉइंट साइज, क्या है ये, पॉइंट साइज्ड, ओके। नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज कैसे पता करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर एक्चुअली आपका जो इंसिडेंट रे है रिफ्रैक्ट करने के बाद जब सच में वो दोनों रेज मिलते हैं,
तभी उस जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो इमेज को हम रियल बोलेंगे। रियल क्यों बोलेंगे? रियल इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक्चुअली जो इंसिडेंट रेस थे वो रिफ्रैक्ट करने के बाद मिले हैं कहीं, ठीक है। अगर वो लोग नहीं मिलते हैं तो वो रियल इमेज नहीं होता है, अंडरस्टूड। और जहाँ रियल वर्ड आया उसके साथ क्या आएगा स्टूडेंट्स? इन्वर्टेड आएगा ही आएगा। आर यू क्लियर? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ द इमेज रियल। क्यों? क्योंकि सच में ये दोनों लाइन्स कॉन्वर्ज हुए और यहाँ मिले, तो रियल। अब रियल आएगा तो उसके साथ इन्वर्टेड आता ही है। अब आप देखोगे कैसे, देखना। सेकेंड केस देखते हैं। अब सेकेंड केस क्या है? हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, हमको पता नहीं है ऑब्जेक्ट किधर है। अभी क्या करेंगे हम लोग? हम अभी थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को खींच कर लेके आएंगे आगे। इन्फिनिटी में था, चल भाई थोड़ा सा अभी पिक्चर में आ जाओ थोड़ा अभी तुम, ठीक है। तो उसको खींच के लेके आए और अब हमने क्या रख, कहाँ रख दिया? एंड पॉइंट क्या है? 2F1, राइट। अब हमने उसको यहाँ ला के रख दिया है। अभी तक इसके भी पार था इन्फिनिटी, पता नहीं कहाँ था। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को ला के थोड़ा पिक्चर में लाया, भाई अभी तू आ जा, ठीक है। तो आके सीधा अभी तू इधर नहीं आ सकता, अभी थोड़ा इधर रहे, बियॉन्ड 2F1 रहे, ठीक है। इसलिए आपका सेकंड केस है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, ठीक है। तो बियॉन्ड 2F1 ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, नाम दे दिया ए बी, ओके। ए बी एक सपोज कुछ भी ऑब्जेक्ट पकड़ लो, ठीक है। तो उसका लाइट आपको फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है, उससे जो इंसिडेंट रे निकलने वाले हैं। तो मैंने क्या कहा था? किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको कितने रेज कंसिडर करने हैं? ओनली टूज, ओके। ओनली टू रेज यू हैव टू कंसिडर एंड दीज टू रेज शुड बी फ्रॉम द 3 रूल्स, ठीक है। तो जो आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इस पे मैं अब ए और बी दो पॉइंट्स है इस ऑब्जेक्ट का, मुझे क्या करना है? मुझे कोई किसी भी एक पॉइंट का अगर मुझे इमेज मिल जाता है तो मैं ऑटोमेटिकली खींच सकती हूँ दूसरे पॉइंट तक। मतलब ए और बी में से मैं सिर्फ ए से रेस कंसिडर करूँगी। तो जो अगर ए का इमेज मुझे यहाँ मिल गया तो मेरा ऑटोमेटिकली बी उसके ऊपर ही रहेगा, गेटिंग सेम वे। तो ए से हम लोग 2 रेज कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ से या तो मैं कंसिडर कर सकती हूँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या तो पासिंग थ्रू द फोकस अपना ऑप्टिकल सेंटर, या तो फिर फोकस। लेकिन फोकस वाला इज़ नॉट पॉसिबल हियर क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है, तो फोकस कहाँ से आएगा? और ऑब्जेक्ट इधर रहता तो फोकस से जा सकते थे, राइट। इसलिए 2 केसेस बचे, एक है अपना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 क्या होएगा? रिफ्रैक्ट करने के बाद वो इट विल पास थ्रू द फोकस, यस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वर्स टू द फोकस, तो गया फोकस से, दिख रहा है यहाँ पे F2 से गया, ठीक है। सेकेंड, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। थर्ड रूल क्या करेगा? पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो आगे ही निकल जाएगा, राइट। तो आगे निकल गया, तो अब हमें देखना है कि ये 2 रेज जाके कहाँ मिलते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, अब यहाँ क्या हुआ, मैंने दोनों पैरेलल कंसिडर किया, राइट। तो मैंने इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल रेस कंसिडर किया, तो वो जाके पॉइंट सोर्स में मिला। यहाँ पे मैंने एक पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से कंसिडर किया, तो जैसे ही पैरेलल वाला लिया तो वो फोकस से पास होगा, वो तो अपना रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 3 क्या है? अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो वो वहीं से निकल जाएगा, पीछे नहीं आएगा, ठीक है, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो फिर ये 2 रिफ्रैक्टेड रे कहीं तो जाके मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? बिटवीन F2 एंड 2F1 मिलते हैं, ठीक है। तो पोजिशन ऑफ द इमेज विल बी बिटवीन F2 एंड 2F2, समझ में आया? तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, कैसे? F2 के इधर पहले इमेज बना था ना, अब खिसक गया थोड़ा, जब तुमने खिसका के यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लाया तो ये भी खिसकेगा, गेटिंग, ये भी खिसकेगा, समझ में आ रहा है? तो खिसक गया F2 से, अब ये बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइज़ क्या है? छोटा दिख रहा है ना, इट विल बी स्मॉलर, ठीक है। नेचर क्या है? मैंने क्या कहा था? जब भी अगर वो रेज मिलते हैं, रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मिल रहे हैं, मतलब क्या बन रहा है वो? रियल इमेज। और अगर रियल आया तो इन्वर्टेड आता है, मैंने बोला था, दिख रहा है आपको इन्वर्टेड ए का, मैंने ए पॉइंट का ऑब्जेक्ट जो था, ए वाले पॉइंट का मुझे इमेज चाहिए था, यहाँ पे मिला A-A' जैसे ही मिला मुझे B' मिल गया, ख़त्म। तो इन्वर्टेड दिख रहा है, जब AB ऐसे था तो अब A'B' उल्टा है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अभी क्या किया हमने? पहले इन्फिनिटी में था तो ऑब्जेक्ट को खींच के लेके आया, बाबा थोड़ा अभी पिक्चर में आ जा, ठीक है आ गया, लेकिन तेरे को अंदर फट से जगह नहीं मिलेगा, तुझे धीरे धीरे जाना पड़ेगा, तो तू पहले बियॉन्ड 2F1 रहे, ठीक है। अब तू क्या करेगा? अब कौन सा केस? एट 2F1, ठीक है। एट 2F1 को ऑब्जेक्ट में रख दो, ऑब्जेक्ट को एट 2F1 में रख दो। तो अभी फिर से सेम
एक ऑब्जेक्ट से हमेशा कितने रेस, ओनली टू रेस, ओके ओनली टू रेस। तो मेरे को वही ए ऑब्जेक्ट, ए वाले जो ए बी ऑब्जेक्ट है उसमें से मुझे ए पॉइंट का सिर्फ इमेज चाहिए, ठीक है। ए पॉइंट का इमेज मिल गया तो मुझे बी का ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो ए के लिए मैं दो रेस कंसिडर करूँगी, कोई भी दो रेस चलेगा। तो यहाँ पर भी वही सूटेबल है, एक पैरेलल वाला, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर वाला। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जैसे ही करते हैं हमें पता है कि रिफ्रैक्ट करने के बाद वो कहाँ से पास होना चाहिए, फोकस से, उस साइड वाले, राइट। तो पास हो गया फोकस से, सेकेंड ऑप्टिकल सेंटर वाला भी ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगा। फिर हम चेक करेंगे क्या वो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज मिल रहे हैं। जी हाँ मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? एट 2F2, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एट 2F1 रहेगा उसका इमेज एट 2F2 उस साइड बनेगा, ठीक है। इस तरफ इसका जुड़वा भाई है तो उस तरफ उसका 2F1 का जुड़वा भाई इधर बैठा है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसका इमेज वहीं उसके भाई के पास बनेगा, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर उसका जुड़वा भाई है, यहाँ ऑब्जेक्ट है 2F1 में, जुड़वे भाई में भी इमेज दिखेगा, राइट। तो साइज भी सेम होगा, तो बताओ पोजिशन क्या आएगा। ऑब्जेक्ट था 2F1, इमेज बनेगा एट 2F2, साइज क्या रहेगा भाई, सेम साइज, भाई सेम साइज। नेचर क्या रहेगा, ऑब्वियसली दिख रहा है दोनों रेज मिल रहे हैं तो मतलब क्या है, ये रियल है, रियल इमेज है। अब रियल है और इन्वर्टेड भी है। ए जो पॉइंट इधर था, ए का इमेज कहाँ बना है यहाँ पे, तो ए डैश दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, इज दिस ईजी है ना, ईजी है ना, बहुत ईजी है। सिर्फ ऐसे डायग्राम देखकर डरने का नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाने का, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लेंस बना देने का, उसका एक्सेस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, F1 2F1, F2 2F2, ठीक है। मैं ट्रिक्स बताऊंगी, पहले ये समझ लो, उसके बाद मैं ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे कभी कभी नहीं आता, एक से दो बार, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने का, ठीक है। इसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करने का, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, डोंट वरी। ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, समझा गया कुछ, खिसका है और थोड़ा 2F1 पे आया था, अब क्या बोला भाई तू खिसक, चल हो गया तेरा इधर काम, निकल अभी, तो हो गया। अब इसको और थोड़ा धक्का मारो, धक्का मारेगा तो किधर आएगा, बीच में आएगा, राइट, बिटवीन F1 एंड 2F1 आ जाएगा, ठीक है। तो बिटवीन F1 एंड 2F1 आएगा तो अब इसका इमेज प्रेडिक्ट कर सकते हो आप, 2F1 पे था 2F2, जब 2F1 के इधर था तो वो भी इधर था, 2F1 पे गया, 2F2 पे गया, अब इधर आया तो इमेज और आगे चले जाएगा, तो मतलब इमेज फॉर श्योर बियॉन्ड 2F2 बनेगा। समझा कितना ईजी और कितना सिंपल है, है ना। तो अभी हम लोग लेके आएंगे इमेज को इसके बीच में, लेकर आ गए, चलो ए बी बना दिया बिटवीन 2F1 एंड F1 बना दिया। ए पॉइंट का अपने को इमेज ढूंढना है, टू रेज लेने हैं, सेम वे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, कर दिया। जैसे ही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किया, कहाँ से पास होना चाहिए उस साइड, फोकस से पास होना चाहिए, करवा दिया, ऑप्टिकल सेंटर से करवा दिया। अब दोनों को ऐसा मिलाना है, ऐसे मिलेंगे वो दो, कहाँ मिलेंगे, बियॉन्ड 2F1 F2 मिलेंगे, ठीक है, समझ में आया। यहाँ से 2F1 से निकल गए ना, तो अब ये बियॉन्ड 2F2, और यहाँ पे देखो साइज भी बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी, ठीक है। पोजीशन बियॉन्ड 2F2, मैं अभी ट्रिक्स बता दूंगी जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है। नेचर क्या है इसका, नेचर क्या है, ऑब्वियसली दिख रहा है, मिले भाई दोनों लाइन्स, तो रियल एंड इन्वर्टेड, यस। साइज क्या है, लार्जर, गेटिंग, समझ में आया। इतने चार केसेस समझ गए। अब जो दो बचे हैं ना, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये स्पेशल केसेस है वो दोनों, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अलग है, उसमें कुछ नया, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वो भी बहुत सिंपल है। तो अभी यहाँ तक के समझे, इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट था, ठीक है, हमें पता नहीं कहाँ ऑब्जेक्ट, हमने कंसिडर कर लिया दो पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ जाके मिलेंगे, सारे कॉन्वर्ज होंगे एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस, हो गया खत्म, वो तो सबसे ईजी था। फिर हमने बोला भाई आ जा ऑब्जेक्ट अभी सीन में आ जा, तो बियॉन्ड 2F1 रखा, बियॉन्ड 2F1 रखा तो इमेज कहाँ बना, बिटवीन F2 एंड 2F2, फर्स्ट केस याद रख लो, ठीक है। ये जैसे ही बन जाता है तो बस खिसकाते चलो, इधर 2F1 पे रखोगे तो ये भी खिसकेगा 2F2 पे आ जाएगा, फिर 2F1 से बीच में लेके आओगे तो ये 2F2 को पार कर देगा, फिर अभी नेक्स्ट आपका जो है F1 है ना, इसको और थोड़ा खिसकाएंगे, नेक्स्ट केस आपका फिफ्थ केस क्या हो जाएगा, F1। तो ये बताओ कहाँ जाएगा, बियॉन्ड 2F2 गया, जैसे यहाँ अभी उल्टा होना स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट्स, अभी ये केस इसका उल्टा है, देखो ऑब्जेक्ट अब बिटवीन 2F1 एंड F1 रखा तो इसका इमेज किधर बना, बियॉन्ड 2F2, इधर क्या था ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड 2F1, तो इमेज कहाँ बना था, बिटवीन F2 एंड 2F2। पल्ले पड़ रहा है कुछ, कन्फ्यूज़ मत हो, बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत हो, एक से दो बार देखोगे आपको समझ आ जाएगा।
जब ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, ठीक है, खिसकाते गए, राइट, अब हमने और थोड़ा खिसकाया तो बीच में आ गया ये, अब राइट 2f1 एंड f1 के बीच में, तो इमेज ऑब्वियसली यहाँ से दूरी खिसकेगा तो बियॉन्ड 2f2 हो गया। सेम हमने बियॉन्ड वाला केस यहाँ भी देखा था ऑब्जेक्ट का, तो इमेज कहाँ बना था, सेम यहाँ पे दोनों के बीच में। बस समझना ये दोनों और ये दोनों जुड़े भाई है, ठीक है ना, इतना समझना तो आपको एकदम ईजी हो जाएगा। अब सोचो मैं इसको और धक्का मारने वाली हूँ फिफ्थ केस में, उसको एट f1 रखूँगी तो ये किधर जाएगा, निकल जाएगा ना बाहर, समझ गए कि एट f1 अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ बनेगा इमेज, कोई किसी को समझ रहा है कि किसका रेप्लिकेशन होगा, वो इसका रेप्लिकेशन। यहाँ इमेज एट f2 बना था, हमने अब ऑब्जेक्ट एट f1 रखा है तो ऑब्वियसली इसका इमेज अब उल्टा होगा। जब इमेज f2 पे बना था, f2 f1 छोड़ दो रे, इमेज फोकस पे बना था तो ऑब्जेक्ट किधर था, इन्फिनिटी में। अब ऑब्जेक्ट एट f1 है तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी में, समझ में आ रहा है, इट्स वेरी ईजी। फिर हम और थोड़ा धक्का मारेंगे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, तो इसलिए बोला मैंने फिफ्थ और सिक्स स्पेशल केस है। तो ये इतना कंप्लीट हो गया, तो प्लीज़ आप लोग लिख लो इसको अच्छे से, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करना है खुद से, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग दो स्पेशल केसेस देखेंगे, केस नंबर 5 और 6। ओके, अभी तक जो चार केसेस देखे हैं वो बहुत सिंपल थे, यस, ये भी बहुत सिंपल है, कुछ टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। लास्ट जो फोर्थ केस था हमारा वो क्या था, बिटवीन 2f1 एंड f1, राइट, तो इमेज किधर बना स्टूडेंट्स, मैंने जैसे वो ट्रिक बताया, हमेशा याद रखो पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था, फिर हम लोग धक्का मार मार के उसको यहाँ तक लेके आए हैं, तो जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट को धक्का मारेंगे तो वहाँ से इमेज भी आगे शिफ्ट होगा, राइट। तो अभी लास्ट केस हमारा बिटवीन 2f1 एंड f1 था, तो अभी फिफ्थ वाला केस विल बी ऑब्जेक्ट एट f1, तो ऑब्जेक्ट एट f1 रखा हमने, तो सेम वे वापस से दो रेज कंसिडर करो पॉइंट ए से, ठीक है, तो एक हमने कंसिडर किया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंड हमने कंसिडर किया पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, राइट, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस तो कहां जाएगा, रिफ्रैक्ट होने के बाद थ्रू द फोकस गया, सेकंड पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो जो भी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाता है वो ऑप्टिकल सेंटर से ही निकलेगा, राइट। तो अब देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये दो लाइन कहीं पे जाके आपको मिल रहे हैं क्या, ये अभी तक के मिले हैं क्या कहीं, नहीं, क्यों, क्योंकि दीज टू रेज आर पैरेलल रेज, तो ये लोग जरूर मिलेंगे, तो मुझे बैठ के ये दो रे को खींचते खींचते पता नहीं ये बोर्ड पार हो जाएगा, लेकिन तब जाके मिलेंगे ये लोग, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये जो दो रेज है, अभी हर जगह क्या हो रहा था कि मीट हो रहे थे, हर जगह मीट हो रहे थे कहीं तो जाके, बट यहाँ जो है दो रेज पैरेलल चल रहे हैं, दोनों रेज पैरेलल चल रहे हैं, तो ये ज़रूर मिलेंगे, नो डाउट मिलेंगे, लेकिन कहाँ मिलेंगे हमें नहीं पता, राइट, तो कहाँ मिलेंगे हमें नहीं पता, जब कोई चीज़ का हमें पता नहीं होता है बट हमको इतना पता है कि मिलेंगे ज़रूर, तो क्या लिखने का उसके लिए, एट इन्फिनिटी, राइट, कहाँ मिलेंगे हमको नहीं पता। अब जैसे फर्स्ट केस था हमारा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, हमको नहीं पता ऑब्जेक्ट किधर है, हमने सिर्फ इंसिडेंट रेज बना दिए, तो उसका इमेज कहाँ पे बना था, एट f1 बना था पॉइंट साइज, राइट, तो सेम वे इसका भी इमेज कहाँ बनेगा हमको नहीं पता, बट श्योरली बनने वाला है क्योंकि पैरेलल रेज ऑलवेज मीट एट इन्फिनिटी, पैरेलल रेज ऑलवेज मीट एट इन्फिनिटी, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, दो पैरेलल रेज जा रहे हैं तो दे विल मीट एट इन्फिनिटी, सो द इमेज पोजिशन विल बी एट इन्फिनिटी, अंडरस्टूड। साइज ऑफ द इमेज क्या रहेगा, इन्फिनिटी में मिल रहे हैं तो बहुत बड़ा होगा इमेज, राइट, कहीं इन्फिनिटी में, आप सोचो ना ये रे कहाँ तक जाने वाला है, तो वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस तक हम लोग अगर मेजर करेंगे तो वो बहुत बड़ा होगा वो इमेज, इमेजिन करो, इधर मिल गया था बिफोर 2f2 तो इतना था, और भी जल्दी मिलता तो छोटा था, जैसे जैसे दूर जा रहा है बढ़ते बढ़ते जा रहा है साइज, राइट। यहाँ पे देखो ये जब भी थर्ड अपना यहाँ पे सेकंड केस था, सेकंड केस में देखो बिफोर 2f2 था, अब तो यहाँ पे एट 2f2 बना इमेज, 2f2 के थोड़े पहले इमेज बना था तो वहाँ पे स्मॉलर बन गया था, फिर जब 2f2 में गया तो सेम साइज बना, फिर 2f2 से दूर गया तो लार्जर हो गया, अब सोचो प्रिंसिपल एक्सिस ये फ्रेम में रह के भी लार्जर है, तो अभी ये तो इन्फिनिटी में मिलने वाला है तो फिर तो कितना बड़ा होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वेरी लार्ज या तो फिर मैग्नीफाइड, ओके, मैग्नीफाइड इमेज लिख सकते हो या तो वेरी लार्ज लिख सकते हो, ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ये मिलने वाला है हमको पता है, पैरेलल रेज ऑलवेज मीट एट इन्फिनिटी, तो मतलब मिलने वाले हैं, मतलब क्या वो रियल है ना, राइट, मिलेंगे तो रियल, और अगर रियल है तो ऑब्वियसली कहीं जाके मिलेंगे तो वो ए का रहेगा, वो जो भी पॉइंट मिलेगा तो ए यहाँ रहेगा, तो बी डैश ऊपर, ए डैश बी डैश, तो इन्वर्टेड,
तो रियल एंड इनवर्टेड, समझ में आया? तो दिस इज केस नंबर फिफ्थ, इजी है ये, ठीक है. ऑब्जेक्ट एट एफ वन रहेगा तो दोनों रेज पैरेलल निकलते हैं और पैरेलल रेज ऑलवेज मीट एट इन्फिनिटी, ठीक है. सिक्स्थ केस, अब एफ वन हो गया, अब थोड़ा ऑब्जेक्ट को और धक्का मारो तो आ जाएगा बिटवीन एफ वन एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, तो यहाँ पर रख दो, ठीक है. वापस दो रेज कंसिडर करना है हमें, ए से एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्रैक्ट होकर फोकल लेंथ से जाएगा, फोकस से जाएगा, एंड सेकेंड इज थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर तो ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगा. अभी ये दो रेज आपको क्या दिख रहे हैं, क्या ये पैरेलल दिख रहे हैं आपको? ये भी दिख रहे हैं कि मिल नहीं रहा है, लेकिन क्या ये पैरेलल है? ये ऐसे जा रहा है, ऐसे स्प्रेड हो रहा है, पैरेलल मतलब ऐसे ऐसे जाके कहीं तो मीट होंगे, बट ये क्या कर रहा है भाई, ये तो स्टार्टिंग से ऐसे दूर दूर जा रहा है, तो ये तो डाइवर्जिंग रेज है. क्या है ये? ऐसा ऐसा जब कोई भी निकलता है ऐसे बाहर तो दैट दे आर कॉल्ड एज डाइवर्जिंग, तो ये डाइवर्जिंग रेज है ना. ऑलवेज रिमेंबर, डाइवर्जिंग रेज नेवर एवर मीट, ओके. डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, तो क्या इसको छोड़ देने का क्या? अपने को तो इमेज बनाना ना भाई, इमेज तो हमको चाहिए, तो छोड़ देंगे क्या? डाइवर्जिंग है तो ऐसे ऐसे जाते रहेगा, तो छोड़ना नहीं, इसको क्या करना है, हमको ट्रेस बैक करना पड़ेगा. इन सच केसेस व्हेन टू डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज इज विजिबल ना, इफ वी सी इफ दे आर डाइवर्जिंग, देन वी नो दैट डाइवर्जिंग रेज कैन नेवर. कोई पाथ अगर ऐसे दूर जा रहा है तो आपको लगेगा कि ये पाथ कभी जाके ऐसे मिलेगा? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. सो डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, पैरेलल रेज ऑलवेज मीट, ठीक है. तो यहां पे आपको लिखना है कि डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, सो वी नीड टू ट्रेस बैक दीज रेज. अभी इनको क्या करना है, अभी हमको इसका इमेज फॉर्म करना है, ठीक है. हमको दिखाना है कुछ तो. अब देखो यहां पे सच में तो ये लोग मिलने ही नहीं वाले, राइट. सच में ये लोग मिलेंगे ही नहीं, तो हमको क्या करना है कि भाई हमको पता करना है कि इसका इमेज बनेगा कैसे. तो हम इसी दो रिफ्रैक्टेड रे को हम ट्रेस बैक करेंगे पीछे, हम इमेजिन करेंगे कि कैसे होगा. तो ये जो ये रिफ्रैक्टेड, इस पॉइंट के बाद से जो रिफ्रैक्टेड रे, इस पॉइंट के बाद से जो रिफ्रैक्टेड, ये दोनों रेस को हम ट्रेस बैक करेंगे. तो ये वाले जो फर्स्ट जो आपका इंसिडेंट रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका रिफ्रैक्टेड रे ये है, तो इस रिफ्रैक्टेड रे से हम सीधा यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे. सेम वे ऑप्टिकल सेंटर वाला रे, इंसिडेंट रे भी यही है और रिफ्रैक्टेड ऐसे गया है, तो इस रिफ्रैक्टेड रे के मतलब सीधा उसके अकॉर्डिंगली हम एक्सटेंड करेंगे, डॉटेड बनाएंगे. तो ये डॉटेड कहाँ जाके पक्का मिलेंगे? तो ये लोग जहाँ मिलते हैं वहाँ हमारा बनेगा, ये हो गया आपका ए डैश, ये हो गया बी डैश, ठीक है. तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हुआ बताओ? पोजीशन ऑफ इमेज बनेगा बिटवीन 2F1 एंड F1. साइज क्या है, दिख रहा है? दिख रहा है कि बड़ा है भाई? साइज क्या लिखोगे? अब देखो इससे कंपैरेटिवली तो बड़ा है, राइट. तो आप वेरी लार्ज लिख सकते हो, इसके जैसा इतना बड़ा नहीं बनेगा, वो इन्फिनिटी में बनने वाला है, तो हम लोग ने मैग्नीफाइड लिखा, या तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया वेरी लार्ज दोनों केसेस के लिए, तो आप वेरी लार्ज लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वेरी लार्ज और एनलार्ज्ड, ठीक है, दोनों लिख सकते हो. नेचर क्या है बताओ? अब मेरे को इधर नेचर बता दो तो मैं मान जाऊँ. अभी तक के कहाँ और अभी तक के जितने केसेस देखे हैं कि एक्चुअली दोनों रिफ्रैक्टेड रेज मिल रहे हैं, इसमें भी हमें दिख नहीं रहा है, हम इतना इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर अस टू ड्रॉ दोज पैरेलल लाइंस, पता नहीं कहाँ तक जाएगा वो, तो वो कहीं ना कहीं मिलता है, वो हमको पता है, राइट. लेकिन अब इस केस में क्या है कि हमको पता है ये भाई मिलता ही नहीं है डाइवर्जिंग रेज, तो हमने क्या किया कि हमने अपने मन के तसल्ली के लिए हमने इसको ट्रेस बैक किया, सो दैट वी विल कम टू नो कि इसका इमेज कैसा बनेगा, ठीक है. एक इमेजिनरी हमने डॉटेड लाइंस बनाया अकॉर्डिंग टू दिस रिफ्रैक्टेड रेज, एंड देन वी यू नो इंटरसेक्टेड दोज लाइंस, वो इंटरसेक्ट होता है तो वहाँ पे उसका इमेज बनेगा. तो ये क्या रियल है क्या? नहीं, इट इज़ वॉट, झूठा. झूठे को हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज़ वर्चुअल, ठीक है. इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ वर्चुअल. और ये इन्वर्टेड है क्या? नहीं ना, जैसे ए बी था वैसे ए डैश बी डैश मिला है, तो ये दिस इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट. समझ में आया? गेटिंग? तो दीज टू आर स्पेशल केसेस. एक में रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल निकलते हैं तो पैरेलल रेज ऑलवेज मीट, ओके, दे मीट एट इन्फिनिटी, इसलिए पोजिशन ऑफ द इमेज विल बी एट इन्फिनिटी, एंड साइज बहुत बड़ा रहेगा इसलिए हमने मैग्नीफाइड डाला, या तो टेक्स्ट बुक में वेरी लार्ज दिया है, आप लिख सकते हो. और नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड तो आएगा ही एंड रियल वो एक्चुअली मिलने वाले हैं. एंड इस केस में द रिफ्रैक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग एंड डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, देयरफॉर वी
extend the refracted rays, or therefore we trace back the refracted rays and we get the image between the position 2F1 and F1, and the size is enlarged or very large and the nature is virtual and direct. Virtual क्यों? क्योंकि वो सच में meet नहीं हुआ है, हमने meet करवाया है. ठीक है, समझ गए. सो दिस कंप्लीट्स योर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस. सो प्लीज प्रैक्टिस दीज एवरीथिंग. आई वांट ईच एंड एवरी वन टू प्रैक्टिस इन योर नोटबुक. ओके, पहले समझ लो एंड देन एक एक रे डायग्राम्स कम से कम 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप बिना देख के आराम से कर लोगे एंड देन यू कैन लर्न द टैबुलर फॉर्म. तो उसको भी लर्न करने का टेक्निक कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है. फर्स्ट केस आपका ऑब्जेक्ट रहेगा इन्फिनिटी में. जैसे ही ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रहता है तो इमेज कहाँ बनता है? ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है तो हम इमेजिनरी उसके जो है इंसिडेंट रेज डालते हैं, राइट? इंसिडेंट रे हमने डाला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो सब जाके प्रिंसिपल फोकस पे मिलेंगे. F1 पे मिले थे, राइट? सॉरी, F2 पे मिले थे, करेक्ट? कोई भी अगर इस तरफ से आप डालते हो तो F1 पे मिलेंगे, अगर इस तरफ से डालते हो इंसिडेंट रेस तो F2 पे मिलेंगे. ये हो गया आपका फर्स्ट केस, जो कि बहुत ईजी है. सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट को बोलोगे आ जाओ भाई, थोड़ा खींच के आ जाओ, सीन में आ जाओ अभी. तो कहाँ रखेंगे हम? एंड पॉइंट आपका ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1, तो सीधा 2F1 पे नहीं रख सकते, तो थोड़ा 2F1 के बाहर ही रखने का, तो बियॉन्ड 2F1. जैसे आपने बियॉन्ड 2F1 बनाया तो आपका इमेज कहाँ बनेगा बताओ? कहाँ बनेगा? बिटवीन F2 एंड 2F2 बनेगा, क्योंकि फर्स्ट केस में इमेज बना था F1 पे, राइट? सेकेंड केस में जब ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से खींचा तो इमेज भी थोड़ा खिसकेगा, तो ऑब्जेक्ट जैसे ही आया तो F2 को पार करके जाएगा, तो वो सीधा F2 से 2F2 पे खुदेगा कि नहीं? F2 टू 2F2 के बीच में रहेगा, समझ गए? तो अब ऑब्जेक्ट को थर्ड केस में और थोड़ा धक्का मारो, एट 2F1 लाओ, तो इमेज भी थोड़ा जाएगा उधर, एट 2F2. फिर ऑब्जेक्ट को और थोड़ा धक्का मारो बिटवीन 2F1 एंड F1, तो इमेज बियॉन्ड 2F2 जाएगा. फिर वापस ऑब्जेक्ट को एट F1, जो कि आपका स्पेशल केस है पैरेलल रेज वाला. उसके बाद इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी में, जो कि इसका इन्वर्टेड केस है फर्स्ट वाले केस का, राइट? उसके बाद ये वाला केस. तो इट्स वेरी इजी अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ाई करते हो तो. रटने वाले नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा ये चीज़, ये स्मार्ट वर्क होना चाहिए, ठीक है? सेकेंड थिंग, आपको एक और ट्रिक बताऊंगी कि ये सब कैसे करना है. ये हर चीज़ आप दिमाग में रख लो हर केस का. तो आप कैसे करोगे कि पहले रेस को पास करवा दो, क्योंकि क्या करोगे अगर आपने पहले ही 2F1, F1, F2, 2F2 सब पहले ही लेबलिंग कर दिया तो आपका रेज जो है इंटरसेक्ट नहीं होगा, बहुत केस में नहीं होगा. तो आपको बार बार रब करते बैठना, तो इतना टाइम अपने एग्जाम में अपने को नहीं है, ठीक है? तो आप फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, पहले लेंस बना लोगे, ठीक है? उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस बना लोगे, आपका जो भी केस रहेगा वो वहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट रख लोगे, ठीक है? उसके बाद उसके इंसिडेंट रेस को आप बराबर इंटरसेक्ट करवाओगे एंड देन यू विल नेम फोकस, ये सब नेमिंग करना है, ठीक है? एंड लेंथ का ध्यान रखना, लेंथ ज़्यादा अभी अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट लेके करते हो तो मतलब 90% टाइम्स वो करेक्ट आ जाता है. सपोज ओ से F1 आप एकदम प्रॉपर सेंटीमीटर्स ले हो एंड ओ से F2 भी एकदम प्रॉपर लिया है. अब कैसे, ये फ्री हैंड ड्राइंग है, यहाँ पे स्केल वेल मैं कुछ यूज़ नहीं कर रही, दिस फ्री हैंड. तो अगर आप प्रॉपर स्केल एंड पेंसिल यूज़ कर रहे हो, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ कर रहे हो, देन डेफिनेटली 90% ऑफ द टाइम्स आपको सही आ जाता है, ठीक है? इसीलिए मैं बोल रही हूँ इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो. हो सकता है कि आपको एक बार फर्स्ट टाइम आ जाए तो आप खुश नहीं होना है कि मेरे को आ गया, नहीं, एग्जाम के टाइम पे फिर वाट लग जाती है, आता नहीं है, ठीक है? और हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आ नहीं रहा और रब करते रहते हैं. इसलिए कुछ कुछ ट्रिक्स है, जैसे कि थोड़ा मैनिपुलेशन यहाँ पे करना पड़ता है इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्शन, पहले हल्का लाइन मार के देख लेने का कि भाई कहाँ मीट हो रहा है अपने को. इसीलिए मैंने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगा, इसीलिए थोड़ा स्मार्टली आप देखो, जैसे मैंने बताया है कि वैसे याद कर लो तो आपका इमेज फॉर्मेशन ईजी हो जाएगा. तो ये सब चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा. तो इसको रे डायग्राम्स को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप कि ये जितने भी वीडियोज है आपको समझा होगा एंड ये हेल्पफुल होगा. आई रिक्वेस्ट everyone, देन प्लीज इस प्रकार से आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए इस टाइप में, ठीक है? ऐसा दिया नहीं है, टैबुलर फॉर्म सिर्फ दे दिया हुआ है, बट आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन टू ड्रॉ नीट एंड लेबल्ड रे डायग्राम्स इन योर नोटबुक. दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम्स, क्वेश्चन न्यूमेरिकल सब कुछ इस पे आते हैं, ठीक है? सो टिल देन टेक केयर एवरी वन, बाय. स्टडी करते रहो, मजे करो.